तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जूनियर एनटीआर पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर की मूवी आ रही है 27 सितंबर को, और वो भी सितंबर भाई आज रात से ही लगने वाला है। पूरे 27 दिन बचे हैं जूनियर एनटीआर की इस मूवी को रिलीज होने में, और मैं कहता हूं दोस्तों इसका डंका ओवरसीज में अभी से ही बजना शुरू हो गया है। दोस्तों डंका तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले भाई साहब मूवी की स्टोरी यहां पे क्रैक हो चुकी है। मूवी की स्टोरी किस लेवल की होने वाली है और मूवी में क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। और अगर मैं कहीं फंबल वगैरह मार दूं तो ज़रा सा उसको जो है भूल जाना, क्योंकि मैंने याद किया है वो सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं जो है भाई एकदम से बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने याद की। तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो भाई, देवरा पार्ट वन इस समय कि सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। 27 सितंबर को ये दोस्तों मूवी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि आरआरआर के बाद में जूनियर एनटीआर पहली बार एक सोलो पिक्चर लेके आ रहे हैं, और ये फिल्म कई कारणों से सुर्खियां भी बटोर रही है। चाहे वो पहला लुक हो या जूनियर एनटीआर के किरदार का खुलासा हो, हालांकि फिल्म के बारे में एक नई खबर हमें मिली है। इसकी कहानी आंध्र प्रदेश में हजारों लोगों को प्रभावित करने वाली एक वास्तविक दुखद घटना से दोस्तों ये जो है जुड़ी हुई है। एंड आंध्र प्रदेश में कुछ टाइम पहले ऐसी कुछ घटना हुई थी जिसके ऊपर ये मूवी दोस्तों बनी है। हालांकि देखो यह है कि निर्देशक कोरटाला शिवा का रुझान अपनी फिल्मों में कई वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेता है, यानी कि वो जो है अपनी फिल्मों में ज़्यादातर एक रियल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अन्य फिल्मों जैसे थ्री मंडूर और आचार्य में भी देखा जा सकता है। यानी कि हमने जो उनकी ये दो फिल्में देखी थी उसमें भी हमने ऐसी कुछ सोशल यहाँ पे मैसेज देखा था। इसी तरह इस बार भी फिल्म निर्माता ने अपनी अगली परियोजना देवरा की कहानी को आंध्र प्रदेश में 1985 में हुए कुख्यात और दुखद करम चेड़ू नरसंहार पर आधारित किया है। 1985 में कुछ ऐसा हुआ था जिस पे ये मूवी दोस्तों बनाई जा रही है। अब यहाँ पे जानकारी के लिए मैं आप लोगों को वो सारी बातें खोल दूं कि करम चेड़ू नरसंहार उच्च हिंदू जाति के लोगों जिन्हें कम्मा जमींदार कहा जाता था और दलितों या मड़ी गांवों के बीच बढ़ती क्रूरता के कारण हुआ, जिसमें कई दलित मारे गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कई अन्य लोगों को अपने घर और सामान छोड़ के मजबूरन अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। इस घटना के हो जाने के बाद राज्य की सामाजिक संरचना पर एक स्थायी दर्दनाक छाप छोड़ गई। यानी कि बहुत से लोग कई सालों तक उस चीज से नहीं निकल पाए। हालांकि देवरा जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का एक नया पोस्टर भी, जो कि मैंने आप लोगों को उसका रिव्यू दिया था, एंड जिसमें दो चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है कि, और ना ही हमें इसमें कुछ सोचना चाहिए कि जूनियर एनटीआर का डबल रोल होने वाला है, सिंगल रोल होने वाला है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। हो सकता है मे भी कुछ हो यहाँ पे, इसलिए दो लुक यहाँ पे देखने को मिले। हालांकि देखो पोस्टर जो बता रहा है वो एक डर के चेहरे का बता रहा है, यानी कि जो पोस्टर के साइड में इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका मतलब है डर का चेहरा। इसमें दोस्तों जल्द ही कई लोगों ने यह मानना भी शुरू कर दिया है कि RRR के बाद में डबल रोल निभाने जा रहे हैं। हालांकि अफवाहों के बावजूद इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जूनियर एनटीआर का इस मूवी के अंदर डबल रोल है। हालांकि फिल्म की कास्ट की बात करें तो देवरा में भारत के विभिन्न भाषा फिल्म के इंडस्ट्री के सफल प्रशंसित अभिनेता शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार जानवी कपूर, सैफ अली खान एंड काफ़ी सारे और एक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी मूवी जो है भाई आ रही है 27 सितंबर को, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और तो और इसका जो दोस्तों डंका है ओवरसीज में बजना अभी से ही शुरू हो चुका है। पूछो कैसे, इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई, और RRR के बाद में ओवरसीज में इस मूवी को जूनियर एनटीआर के देखा जाएगा। यानी कि RRR के बाद में ओवरसीज के जो लोग हैं जूनियर एनटीआर को पहली बार देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि RRR के बाद में जूनियर एनटीआर का जो डंका था वो ओवरसीज में भाई साहब उसी वक्त बच चुका था, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जूनियर एनटीआर की ये मूवी कब आए। तो फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और धड़ल्ले से उन लोगों ने अपनी अपनी जो है टिकट बुक कर ली। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि चंद शोज़ अभी वहाँ पे खुले हैं जिसकी एडवांस बुकिंग लोगों ने कर ली है, जिसमें 100 $200
हंड्रेड के सॉरी हंड्रेड नहीं हंड्रेड के यानी कि $1,00,000 की यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में इसकी एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट हुई है। अब आप ये सोच लो कि इसकी एडवांस बुकिंग अगर फुल फ्लैज में स्टार्ट हो गई तो क्या ही रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये साउथ की पहली ऐसी मूवी है जिसने बहुत ही जल्द अपनी $100,000 की एडवांस बुकिंग को कम्प्लीट किया है। कल की सलार इन सबको दोस्तों इस मूवी ने पीछे कर दिया है, बीट कर दिया है और सबसे आगे निकल गई है। यानी कि आप समझ लो कि इंडिया तो छोड़ो ही छोड़ो, मैं कहता हूँ कि ओवरसीज में जूनियर एनटीआर का दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स देखने को हमें मिलने वाला है देवरा से। और देवरा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताई, एक तो सोशल मैसेज होगा, फिर यहाँ पे जूनियर एनटीआर गजब के दोस्तों एक्टिंग अपनी स्किल्स दिखाने वाले हैं। साथ में सैफ अली खान है एंड साथ में जानवी कपूर भी है जो कि अपनी अदाओं से आप लोगों को अपना दीवाना बना लेंगी। तो बताओ नीचे कमेंट में कौन कौन है जूनियर एनटीआर का यहाँ पे फैंस, अपनी एक्साइटमेंट लेवल ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।